सीतापुर नाम के गांव में वेद नाम का एक किसान रहता था। वह थोड़ी बहुत खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, मगर इस थोड़ी सी खेती में उसका गुजारा नहीं चलता था, जिस कारण वो अक्सर दुखी रहता था। जब कभी भी उसे कोई यह कहता कि वेद जी आप ज्यादा ही दुखी रहते हो, तो वह यही उत्तर देता, भाग्य बड़ा बलवान है भाई, जो भगवान देता है इंसान वही ले पाता है। भाग्य को आज तक किसी ने नहीं बदला। एक दिन की बात है, वह खेतों में काम करते करते इतना थक गया कि वहीं पर एक वृक्ष की छाया के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पास एक काला नाग जो फन फैलाए बैठा था देखा। किसान ने सोचा, इस नाग को आज तक मैंने अपने खेत में नहीं देखा और इसने मुझे कुछ करा भी नहीं जब मैं सोए हुआ था। हो ना हो ये भगवान का भेजा हुआ नाग है, क्यों ना मैं इसकी पूजा करूं, हो सके तो इससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। नाग देवता ने यदि मुझ पर कृपा कर दी तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सोचकर वो दूध का एक बड़ा कटोरा लेकर नाग देवता के सामने रखते हुए बोला, हे नाग देवता, मुझे माफ करना, मुझे यह नहीं पता था कि आप मेरे ही खेत में रहते हैं, इसलिए मैं पहले तुम्हारी पूजा नहीं कर सका। मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मेरे संकट हरो। ऐसा बोलकर किसान उस दूध के कटोरे को वहीं रखकर घर वापस आ जाता है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।